सो ही गाइज, वेलकम टू बैक माई चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो सभी एग्जाम्स के लिए लाइक UBTR स्टाफ नर्सिंग एग्जाम, UKSSSC का जो कोई सभी एग्जाम्स एंड UKPSC का एग्जाम्स एंड अदर स्टेट से संबंधित कोई भी एग्जाम्स है आपका, ये इसके लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है गाइज, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? ऑप्शन 1 2 अगस्त 2000 को, ऑप्शन 2 1 अगस्त 2000 को, ऑप्शन 3 3 अगस्त 2000 को, ऑप्शन 4 4 अगस्त 2000 को। तो गाइज मैं 15 सेकंड का वेट करूंगा ताकि आप खुद से आंसर देने की कोशिश करें, और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा अगर आप राइट आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा गाइज, 1 अगस्त 2000 को, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट। तो उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? 1 अगस्त 2000 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधेयक यहाँ पे राज्यसभा में कब पारित हुआ बताना, जैसे वहाँ पे था लोकसभा में जो पारित हुआ था कब हुआ था, 1 अगस्त 2000 को, यहाँ पे बताना है राज्यसभा में कब पारित हुआ। ऑप्शन 1 दे रखे 9 अगस्त 2000 को, ऑप्शन 2 10 अगस्त 2000 को, ऑप्शन 3 8 अगस्त 2000 को, ऑप्शन 4 ठीक है 1 अगस्त 2000 को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? 10 अगस्त 2000 को, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? 10 अगस्त 2000 को। तो ऑप्शन 2 इज क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये याद रखना है लोकसभा में कब पारित हुआ था, 1 अगस्त 2000 को, एंड राज्यसभा में कब पारित हुआ, 10 अगस्त 2000 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सा है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन 1 हिंदी, ऑप्शन 2 संस्कृत, ऑप्शन 3 गढ़वाली, ऑप्शन 4 कुमाऊनी। तो राजकीय भाषा बतानी है हमने, जो राज्य की अपनी राजकीय भाषा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हिंदी, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी है। ये जो हिंदी है प्रथम जो है नंबर पे है, ठीक है। और जनवरी 2010 से जो संस्कृत है वो दूसरी भाषा है, यानी पहले नंबर पे आता अपना हिंदी, दूसरे नंबर पे आता संस्कृत। तो इस तरह का क्वेश्चंस आ गया सपोज, ठीक है, कि उत्तराखंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है और ऑप्शन इस तरह का दे दिया, तो वहाँ पे अपना हिंदी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हिंदी नहीं रहा ऑप्शंस में, हिंदी नहीं रहा तो अपना संस्कृत वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो पहले नंबर पे अपना हिंदी है, दूसरे नंबर पे अपना संस्कृत है। तो पहले नंबर पे जो राजकीय भाषा है अपना उत्तराखंड राज्य की हिंदी है, दूसरे नंबर पे अपना संस्कृत है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है राइट आंसर अपना हिंदी रहेगा, लेकिन कहीं पर अगर ऑप्शन इस तरह का दे रखा हिंदी नहीं है तो वहाँ पर आप संस्कृत को राइट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल जो कि 2011 में घोषित हुआ का नाम है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल जो कि 2011 में घोषित हुआ, ठीक है, यानी जो राज्य खेल है उसका जो घोषणा हुई थी 2011 में, उसको राज्य खेल की घोषणा हुई थी उसकी, उसका हमने नाम बताना है। ऑप्शन 1 क्रिकेट, ऑप्शन 2 फुटबॉल, ऑप्शन 3 वॉलीबॉल, ऑप्शन 4 कबड्डी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 फुटबॉल, ठीक है। तो ये उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है फुटबॉल, जो कि 2011 में घोषित हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का समय क्या है? ब्रह्म कमल आपको पता ही है उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है, ठीक है, यानी उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल है, इसके जो खिलने का समय है वो कौन सा है, यानी कौन से महीने में ये खिलता है और कितने महीने से कितने महीने तक खिलता है वो बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 1 जुलाई से सितंबर, ऑप्शन 2 मई से जुलाई, ऑप्शन 3 अगस्त से अक्टूबर, ऑप्शन 4 अप्रैल से जुलाई।
खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जुलाई से सितंबर, ऑप्शन वन। ठीक है, राइट आंसर तो ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का समय कौन सा है, जुलाई से सितंबर। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड राज्य का जो प्रथम विधानसभा सत्र वो कब हुआ। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम विधानसभा सत्र कब हुआ, ऑप्शन वन 9 जनवरी 2001 से। ठीक है, ऑप्शन टू 8 जनवरी 2001 से, ऑप्शन थ्री 7 जनवरी 2001 से, ऑप्शन फोर 10 जनवरी 2001 से। यानी जो प्रथम विधानसभा सत्र हुआ था उत्तराखंड का वो कब शुरू हुआ, ठीक है, वो बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 जनवरी 2001 से। ठीक है, तो जो प्रथम विधानसभा सत्र हुआ था देहरादून में, ये अपना हुआ था। ठीक है, देहरादून में जो अपना हुआ था तो ये हुआ था 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी, यानी जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 से पहले की बात है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, उससे पहले जब उत्तराखंड राज्य यूपी में था तब जो उत्तराखंड में जो ये पूरा एरिया था उत्तराखंड का, इस क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन वन 22, ऑप्शन टू 21, ऑप्शन थ्री 23, ऑप्शन फोर 24। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन वन 22, यानी 22 विधानसभा सीटें उस टाइम पे थी उत्तराखंड में, जब उत्तराखंड जो है अपना क्या था, उत्तराखंड राज्य जब बना नहीं था, यानी यूपी के साथ ये, ठीक है, मिला था, यानी जब ये अलग नहीं हुआ था उससे पूर्व की बात है, जब उस टाइम पे यहाँ पे टोटल कुल कितनी विधानसभा सीटें थी, 22 विधानसभा सीटें। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अपना, ये क्वेश्चन नंबर, इसको कोई बात नहीं, इसको रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, उत्तराखंड राज्य विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। सुरक्षित सीटों का मतलब है जो आरक्षित सीटें हैं, यानी जो SC ST के लिए सुरक्षित हैं, वो सीट, उन सीटों के बारे में यहाँ पर बात करनी है। तो उत्तराखंड राज्य विधानसभा में कुल जो है सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे 15, तो इसमें ऑप्शन देखिए 15 है, जिसमें कि 12 SC और 3 ST के लिए है। ठीक है, 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। दूसरा ऑप्शन टू 15, इसमें कि 11 SC और 4 ST के लिए है। ऑप्शन थ्री 15, ठीक है, इसमें 13 SC प्लस 2 ST के लिए है। या ऑप्शन फोर 15 है, 14 SC के लिए 1 ST। देखिए, इतना तो कन्फर्म है, जो सुरक्षित सीटें हैं यानी जो आरक्षित सीटें हैं उत्तराखंड में अपनी, वो कितनी है, 15 है। लेकिन 15 तो हैं, लेकिन उसमें से जो SC ST में कुल कितनी सीटें SC के लिए, कुल कितनी ST के लिए है, ये भी हमने अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है जहाँ पे ऑप्शन तो आपको जो 15 तो हैं, ये तो एग्जाम को भी पता है कि जो है, जो आपने जो है कि जो विधानसभा सीटें हैं वो आपको पता है, सुरक्षित सीटें वो कितनी है, आपने वो याद कर रखा। लेकिन अंदर जो डीपली पूछ दिया कि जो 15 सीटें हैं उसमें से SC ST के लिए कुल कितनी है, तो ये भी एग्जामिनर वहाँ पे दे दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि SC के लिए कितनी सीटें हैं और ST के लिए कितनी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन थ्री। ठीक है, 15 विधानसभा सीटें हैं सुरक्षित सीटें जो आरक्षित हैं, 13 SC के लिए और 2 ST के लिए हैं। ठीक है, 13 SC के लिए हैं, 2 ST के लिए, याद रखना 13 SC के लिए और 2 ST के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये तो हर किसी को पता होगा वैसे, जो उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, लेकिन कई बार हम जो है माइंड से निकल जाता है, इसलिए याद रखना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 3, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 5। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 3, ऑप्शन 1 3। ठीक है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितने हैं उत्तराखंड में, 3। ठीक है, तो 3 जो है अपने यहाँ पे कितनी है, 3 जो है राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो जो नैनीताल उच्च न्यायालय है, यानी जो हाई कोर्ट है नैनीताल है, इसकी जो स्थापना हुई कब हुई,
ऑप्शन वन 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, ऑप्शन टू 8 नवंबर 2000 को, ऑप्शन थ्री 10 नवंबर 2000 को, ऑप्शन फोर 7 नवंबर 2000 को। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है 9 नवंबर 2000, ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन भी हुआ था और उसी दिन जो है नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। तो नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को। और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है? यानी जो हाईकोर्ट है अपना, वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल जो न्यायाधीश की जो संख्या बतानी है वो टोटल कितनी है वो बताना है। ऑप्शन वन 9, ऑप्शन टू 8, ऑप्शन थ्री 10, ऑप्शन फोर 7। यानी जो टोटल जो है कुल न्यायाधीश है वहाँ पे उनकी जो संख्या है वो कुल कितनी है वो बताना है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन वन 9, ठीक है। तो 9 न्यायाधीश है वहाँ पे, कुल जो है मुख्य न्यायाधीश को मिला के टोटल जो है कुल कितनी है? 9 न्यायाधीश वहाँ पे हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे, लगभग सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, इसी तरह से नेक्स्ट इसका पार्ट लेके आऊँगा मैं चैनल के साथ।